नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की बोगी में मिली युवती की दो टुकड़ों में लाश की गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है। इंदौर जीआरपी पुलिस लगातार अलग अलग रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वहीं रविवार को ऋषिकेश में कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। हाथ पर मीराबेन गोपाल भाई गुदा हुआ मिला, जहां इंदौर जीआरपी पुलिस लगातार इस नाम की युवती की गुमशुदगी अलग अलग थाना क्षेत्र में खोज रही है। फिलहाल पुलिस को सफलता नहीं मिली है। अब जीआरपी पुलिस ने मृत युवती की जानकारी देने वाले लोगों को 10,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा कर दी है। रेलवे एसपी संतोष शिवकोरी के मुताबिक युवती की मर्डर मिस्ट्री के लिए दो टीम का गठन किया गया है, जो अलग अलग रेलवे स्टेशन में सीसीटीवी और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। ये 8 तारीख को हमको नागदा महू पैसेंजर में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जो कि ट्रॉली बैग में थे और एक आटे का जो कट्टा था उसमें था। तो उसमें बॉडी का ऊपर का पार्ट मिला था, उसके हाथ पैर नहीं मिले थे और उसमें आइडेंटिफिकेशन के ऐसे कोई बहुत हमारे को साइन नहीं मिले थे। बट उसको हमने जो है, जो भी हमारे फॉरेंसिक टीम है उससे जांच कराकर उसकी जो है सारा हमने डीएनए के लिए उसका सब प्रोफाइलिंग के लिए सब प्रिजर्व करवाया। उसके बाद फिर हमने जब जांच शुरू की तो हमने उसको फोकस किया था पहले महू स्टेशन पे और जहां से ट्रेन बन के चली थी वहां से। बाद में जो है दूसरे दिन इसका जो है बाकी का हाथ और पैर जो बॉडी पार्ट है, ये योगनगरी एक्सप्रेस चलती है लक्ष्मीबाई नगर से, ये ट्रेन चल के पहुँची ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के जो है जो बोगी के जॉइंट्स होते हैं कपलिंग्स, उसमें एक बोरी रखी हुई थी, उस बोरी में रखे हुए मिले। और जब वहाँ की पुलिस ने उसको जांच के लिए खोला और वहाँ की फॉरेंसिक टीम आई तो उसमें से उनके जो है हाथ पे दो नाम लिखे हुए थे, एक तो जो है मीराबेन लिखा हुआ था और गोपाल भाई। तो इस आधार पर हमें थोड़ा सा ये उसको क्लू लेके हमने कोशिश की कि ऐसे कौन लोग लिखते हैं। तो अभी तक जो हमने जो है दो टीमें बनाई, एक तो टीम हमारे थाना प्रभारी जीआरपी के संजय शुक्ला इनके नेतृत्व में है, इसमें हमारी जो है क्राइम डिटेक्टिव की सेल की टीम लगी है। इसके अलावा हमारा साइबर क्राइम का सेल होता है हमारा, उसके भी लोग लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें ये लगा कि ये जो महिला जो है इसका रहने का जो है झाबुआ या दाहोद, ये गुजरात से जो टच वाले हमारे एमपी के बेल्ट हैं, क्योंकि ये हिंदी में लिखा हुआ है नाम। अमूमन जो है बेन और भाई जो लिखते हैं गुजराती के लोग यूज़ करते हैं, बट हम आगे अगर बड़ोदरा तरफ उधर से पता किया तो उन्होंने बोला कि वहाँ के लोग गुजराती में लिखते हैं और ये हिंदी में लिखा है, तो ये एडजॉइनिंग एरिया के हो सकते हैं। तो इस आधार पे हमने टीम बना के एक टीम को अभी हमने मेघनगर में स्टेशन किया, हमारा मेघनगर थाना है, वहाँ भी हमारे साइबर के लोग और दूसरे डिटेक्टिव लोग लगे हुए हैं। तो झाबुआ अलीराजपुर दाहोद से जो है झाबुआ के बीच का बेल्ट है, तो इस पर हम सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो अपने जो सिस्टम है, हमारा जो ऐप है और हमारा जो सीसीटीवी सिस्टम है, इसमें से इस नाम के कितने लोग की गुमशुदगी कहीं कायम हुई हो या किसी किस्म से और कोई लड़ाई झगड़े की कोई रिपोर्ट है, तो इस पर भी सर्च कर रहे हैं हम इनके इस मिलते जुलते नाम से। और इस जी सर, जो आपके वहाँ के कंपनी पार्ट्स हैं उत्तराखंड के, उनसे कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है? उनका तो सिर्फ बॉडी पार्ट मिला हुआ है, तो उनका काम सिर्फ इतना ही है कि उसको जो है वो प्रिजर्व करें, जो हमको जांच में आगे काम आएगा। और वहाँ पर चूंकि उनको सिर्फ वो जॉइंट जो बोगी के जॉइंट होते हैं, उस जॉइंट के कपलिंग होती है, वहाँ बोरे में रखा हुआ मिला है, तो वहाँ संभावना कम है। बट हमारा जो सर्चिंग का पॉइंट है, तो ये हम चल रहे हैं अभी नागदा में, उज्जैन में और महू के आसपास, यहाँ हम सर्च कर रहे हैं जहाँ से ये बॉडी मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा इसमें जो है मैंने अभी जो अज्ञात आरोप पता लगाने के लिए कोई अगर सूचना देगा या कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देगा, इसके लिए मैंने 10,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा भी जारी कर दी है। तो जो हमें सूचना देगा या बताएगा इससे संबंधित कोई भी क्लू, तो ये उसे दिया जाएगा। अभी तो दो टीमें हमारी ऑफिशियली है, इसके अलावा अलग से भी हमारे मुखबिरी भी हम लोग ने लगा के रखे हुए हैं। इसके अलावा हमें पर्सनली भी जो है झाबुआ पुलिस से बात कर रहे हैं, गोधरा पुलिस से टच में हैं और बाकी हमारी जीआरपी के साथ साथ हमारी जो जिला पुलिस की जो टीमें होती है, जैसे उज्जैन का देवास गेट थाना है, अनिल गंगा थाना है, तो ऐसे संभावना है कि कभी कोई मजदूरी करने यहाँ पर आया हो, उस ग्रुप को भी हमने तलाश किया है कि ऐसे लोग कौन हैं। छोटे छोटे सामान बेचने वाले रहते हैं, झाड़ू के सामान, प्लास्टिक के सामान, इनके भी ग्रुप्स जो रहते हैं वो भी गुजरात तरफ से आते हैं इधर बेचने के लिए, तो उनके भी हम लोग डेरे वगैरह भी सर्च कर रहे हैं, वहाँ भी पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि हाथ में चूंकि उसके नाम लिखा हुआ होगा, तो जो अपराध करने वाला है बदमाश वो जानता होगा कि अगर एक साथ मिलेगा तो तुरंत पकड़ा जा सकता है या उसको कुछ कार्रवाई हो सकती है, इसलिए गुमराह करने के लिए वो
उसको दो जगह अलग अलग शिफ्ट किया उसने। हमने सीसीटीवी भी सर्च किया है, हमारे नागदा में जो है वहाँ भी सर्च किया है, उज्जैन में भी हमने सर्च किया है। उज्जैन में जो है चूंकि 2 नंबर और 3 नंबर पे प्लेटफॉर्म ये दोनों गाड़ी चली थी, तो वहाँ के भी कैमराज को और जो एग्जिट और एंट्री के पॉइंट होते वहाँ भी देखा, लेकिन अभी तक हमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाए इस संबंध में। हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमने जो यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट मिले हैं तो उसके लिए भी जो डीएनए के लिए जो प्रिजर्व किया जाता है वो डॉक्टर को लिख के दिया और प्रिजर्व किया गया, और वहाँ से भी हमने ऋषिकेश पुलिस को ही बताया था तो उन्होंने भी वहाँ पर प्रिजर्व किया हुआ है। तो अब ये जब ये दोनों आएंगे तो हम लोग फोरेंसिक जाँच के लिए भेजेंगे और मिलान होगा इसका। ये अभी अभी ऐसा उन्होंने वेपन के बारे में कुछ नहीं किया है, कटा हुआ है, बट ये है संभावना किसी हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से काटा गया है, क्योंकि वो जो कट्स हैं वो शार्प नहीं है, ऐसा डॉक्टर से वर्बल चर्चा होने पर पता चला है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके